आओ खोटा लिखें कि अब अंतिम क्लास है ये, क्लास नंबर 15वां, क्लास नंबर 15। आओ खोटा लिखें कि अंतिम क्लास। आशा है कि आप लोगों को सारे क्लास का फ़ायदा मिला होगा, लेकिन फ़ायदा उन्हीं को मिला होगा जो क्लास पूरी तरह से लिख लिख के किए होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे। जो सिर्फ वीडियो देखे होंगे उनको जानकारी तो हुई होगी, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ होगा। ये क्लास ही था लिखने वाला, जो पूरे 15 क्लास को लिखा होगा उसको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो आओ खोटा लिखे में 15वां क्लास का जो लास्ट टॉपिक हम उठाए हैं वो लिखाए हैं सिलेबस से, खोटा लोकगीत। जेपीएससी के सिलेबस में आपका खोटा लोकगीत है। और इतना बात ये जान लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, ये जो है सो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। ये गीत, खोटा लोकगीत, कोई भी ऐसा खोटा भाषा में जो टीचर होगा और जो क्वेश्चन सेट करेगा वो खोटा लोकगीत को इग्नोर कर दे, ऐसा हो नहीं सकता है। इसका मतलब हुआ कि खोटा लोकगीत में एक क्वेश्चन कंपलसरी पूछेगा, पूछेगा और पूछेगा ही। आप कुछ भी कर लें, जैसे कि नहीं है कि अगर मान लिया खोटा में आप कुछ भी कर लें, लेकिन झा जी को और पानुरी जी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसे सवाल आना ही आना है। चाहे झा जी आए, चाहे पानुरी जी आए, चाहे दोनों आए, ये दोनों में से एक को आना ही आना है एग्जाम में। उसी प्रकार जेपीएससी की परीक्षा में खोटा लोकगीत को आना ही आना है, एकदम 200%। कोई भी टीचर इसको इग्नोर नहीं कर सकता है, क्योंकि इतना महत्व है खोटा लोकगीतों का। और खोटा, अब खोटा लोकगीत का थोड़ा सा संदर्भ हम बात कर लेते हैं 2-3 मिनट, फिर अपना 4-5 हम गीत उठाएं, उसको हिंदी में व्याख्या करेंगे और चैप्टर क्लोज करेंगे। लोकगीत, लोकगीत का वास्तव में जो होता है ना फोक सॉन्ग, वास्तव में जो या फोक, जितना भी फोक सॉन्ग इंडिया में है, चाहे झारखंडी लोकगीत हो या बिहार में बिहारी लोकगीत में मगही लोकगीत हो, ठीक है। यहाँ पे बात करें खोटा लोकगीत का, बिहार में मगही लोकगीत है, भोजपुरी लोकगीत है, मैथिली लोकगीत है, राजस्थान में राजस्थानी लोकगीत है, हरियाणा में हरियाणवी लोकगीत है। ये जितना जो फोक सॉन्ग है, ये फोक सॉन्ग के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये गीत को किसी ने लिखा नहीं, ये रिटन अवेलेबल नहीं है। कोई कहा जाए, अब जैसे कि एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, कोई शादी ब्याह का मौका होता है और शादी ब्याह के मौका में झारखंड में जो महिलाएं गीत गाती हैं वो लोकगीत है, लोकगीत गाती हैं, तो क्या पढ़ के गाती हैं, देख के गाती हैं? या अपने मोबाइल में या अपने आईफोन में रखे हैं या आईपैड में देख गाती हैं? उनके जहन में याद है सब गीत, ठीक है। दूल्हा दूल्हा का परिचने वाला, दूल्हा को गाली दे, दूल्हा के भैंसुर को भाई का गाली देने वाला, ये करने वाला, शादी के समय 50,000 तरह का गीत है, सब सब गाते रहती है। अब ये उठता है सवाल कि ये गीत आया कहाँ से, इन गीतों का संदर्भ इतना, ये गीत कहाँ से आया, इसको लिखा कौन होगा, और ये गीत कहाँ लिखा हुआ है, और ये गीत कैसे इनको इतना महिलाओं को याद है, पुरुषों को भी, चैता फगुआ। अब फगुआ जो फगुआ भी फगुआ फागुन में होली के समय जो गाते हैं गीत, ठीक है। तो ये गीत थोड़ी कोई लिख के आता या रटता है, ये वास्तव में ये जो लोकगीत होते हैं, जो फोक सॉन्ग होते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आती वाली परंपरा है। ये महिलाएं गाती रहीं, छोटी लड़कियां बच्चियां उसको सुनती रहीं सुनती रहीं, फिर कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट हो गया, हर पीढ़ी दर पीढ़ी में ये चलते रहता है। तो खोटा लोकगीतों का इसी तरह से संग्रह तो बहुत है, लेकिन कहीं कोई लिखा हुआ नहीं है, और कोई कोई इसका श्रेय नहीं है कि इस पर्टिकुलर इस व्यक्ति ने इस गीत को गाया था, कोई ऐसा नहीं है, ये चलते आ रही परंपरा है। अब दूसरा आता है, इतना गीत आया कहाँ से, तो इतना गीत कहाँ से आया, तो इतना गीत गीत कहाँ से आता है, गीत गीत कौन लिखता है, कवि के कवि लिखता है, कवि कैसे लिखता है, या तो खुशी में या तो गम में। अब मान लिया जाए वो गम में है, गम में है तो लिख दिया, नहीं बोलते उसको कुछ खोटा लोकगीत में स्टार्टिंग में है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, ढुलक आंखों से लिखी होगी कविता अनजान। अब वियोगी होगा पहला कवि, कोई तो एक होगा जो खोटा, कोई खोटा का लोकगीत मतलब यहाँ बात ना करें, गीत का बात करें, पहला जो गीत कोई लिखा होगा वियोगी होगा पहला कवि, ठीक है। आह से उपजा होगा गान, वो इतना व्यथित इतना दुखी होगा, हो सकता है उसकी प्रेमिका छोड़ के चली गई होगी, वो प्रेम में आहत होकर के इतना दुखी हो गया, वियोग में, वियोग का संदर्भ रही होता, वियोग में वो क्या किया, गीत लिखा, ढुलक आंखों से उसकी आंखें बह रही है, वो रो रहा है, ढुलक आंखों से बही होगी कविता अनजान।
और एक कविता अनजान एक ऐसी कविता लिख दिया जो कविता के बारे में खुद को था नहीं पता कि हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये सारे जो फोक सॉन्ग है, जो लोकगीत है, इसका उत्पत्ति ऐसे ही हुआ है। इसका उत्पत्ति कहीं ऐसा नहीं कि कोई लोकगीतों का कोई किताब है या कोई लेखक को, कोई कवि है, ऐसा नहीं है। बस प्रकृति में, समाज में ये छाया हुआ है, लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इसको कर रहे हैं। उसी प्रकार से कुछ हम खोटा लोकगीत लिए हैं और इसको खोटा में लिखे हैं और इसका हिंदी में हम आपको व्याख्या करेंगे, तो आपको आएगा कि खोटा बहुत मुश्किल नहीं है। वास्तव में देखिए, खोटा सिखाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि कैसे आप परीक्षा पास कर जाए, जेपीएससी की परीक्षा, ये मेरा उद्देश्य है, ठीक है ना। जैबे जंगलवा खैबे भेलवा केनद पियरवा नाय हाय राम दुओ गोतनिया तोर गोतनिया सरकै धकुनिया नाय। ये छोटा सा 4-5 लाइन का गीत है, जैबे जंगलवा। ये वास्तव में दो गोतनी, गोतनी का मतलब देवरानी जेठानी, पता ही है आपको, झारखंड से आप हैं तो गोतनी वर्ड आपके लिए बहुत मतलब कि फैमिलियर होंगे ही। दोनों नई नई महिलाएं हैं, दोनों शादी हुआ है, दोनों आपस में गोतनी हैं, देवरानी जेठानी हैं, और लो जाती है जंगल। जैबे जंगलवा खैबे भेलवा, ये भेलवा वास्तव में ये जंगली एक फल है खाने वाला, ठीक है। जैबे खैबे भेलवा केनद पियरवा नाय, केनद कनौद पियरवा, केनक केन कनौज और प्यार झारखंड के जंगलों में खूब मिलता है। जो जंगल के आसपास रहने वाले जो गांव के लोग होंगे वो बाकायदा जानते होंगे, जो तो छोटे शहर के लोग वो भी जानते होंगे, कनौज प्यार खूब मिलता है जंगल में। तो कनौज पियरवा ना, मतलब जब हम लोग जंगल जाएंगे और जंगल जा करके भेलवा कनौज प्यार, मतलब जो जंगली फल फूल है उसको खाएंगे। हायरम दुओ दुगुतनिया तुरक दुतनिया, दतनिया बोलते हैं दतवन को, दतून को। पहले अब ना आ गया ब्रश तो सब निकल, सुबह सुबह उठता है गांव में भी आजकल है कि ब्रश चालू हो गया, पहले ऐसी बात नहीं थी। पहले बात थी कि जाइए जाके जंगल से सखुए का, झारखंड में सखुआ, साल को सखुआ को तोड़ के लाइए, दतवन के रूप में उसको धोते थे। तो सारी महिलाएं गांव के या बच्चे जाके जंगल से तोड़ के ले आते थे, तोड़ दतनिया सरके धकुनिया नाए। लेकिन इस क्रम में तो इसमें कह रहे हैं कि तोरब दुतनिया सरके धकुनिया नाय, मतलब हम जंगल में जा करके वहाँ से दतवन वहाँ से पत्ते तोड़ के लाएंगे, लेकिन इस क्रम में हम दोनों गोतनियों का जो मतलब क्या बोलते घूंघट है वो घूंघट घूंघट मतलब उल्टा ना हो, घूंघट उघर ना जाए, ठीक है ना। सरके धकुनिया नाय मतलब एक लज्जा का भी दिखाने का प्रयास कर रही है कि लज्जा भाव में कि कोई हमको लोग देख न ले, चेहरा हम लोग का देख ले, चेहरा छुपा रहे, इस सेंस में। तो ये था आपका पहला। दूसरा जो है वो दूसरा जो आपका ये पहला हो गया, दूसरा जो लोकगीत है वो थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग है। वास्तव में कोई भी समाज या कोई भी सोसाइटी परिवार जो है सो कभी अकेले आगे नहीं बढ़ सकता है, पूरा समाज में सभी लोग का सहयोग होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, सभी लोग का योगदान होगा तो आगे लगे। अब ये इसमें कोई कहने में बुराई नहीं है कि हमारा जो भारतीय समाज है, हमारा झारखंडी समाज है, वो जो है सो कास्ट बेस्ड समाज है, जाति आधारित, ब्राह्मण राजपूत हुमियार लाला है ना, तेली जादव, ठीक है ना, मोची चमार धोबी जुलाहा मुसलमान, ये सब सारा कास्ट बेस्ड सिस्टम हमारे भारत में हमारा झारखंडी समाज है, ये उसी पे है। ये वास्तव में ये समतावादी कविता है जो सेकेंड नंबर का हम ले रहे हैं, ये समतावादी कविता है। ये समतावादी कविता का इसका जो सेंस है कि समाज में कोई भी काम ऐसे नहीं, जैसे एग्जाम्पल का इसमें लिया गया है दीपक, इसमें एग्जाम्पल लिया गया है दीपक। अब देखिए दीपक जलता है तो दीपक कैसे जलता है, दीपक जलाने के लिए सबसे पहले दीपक बनाना पड़ेगा, तो दीपक कैसे बनेगा, मिट्टी से बनाएगा। कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो मिट्टी को लाएगा, मिट्टी को मिलाएगा, पानी मिलाएगा, उसको अच्छे से करके उसको दिया के रूप में ढालेगा तो मिट्टी बन गया। अब दीपक बन गया, अब दीपक के आगे होता है दिया। अब मान लिया कोई दिया जलाएंगे दीपावली में, तो दीपावली में हम जलाते हैं दिया, तो पहले दीपक आएगा, फिर दीपक में क्या होगा, तेल डालेंगे, तो तेल का माध्यम भी कोई और होगा, कोई ऐसा व्यक्ति समाज का होगा जो तेल बनाया होगा, तेल मान लिया सरसों का तेल, सरसों लाया होगा, सरसों को तेल को पेर के उसको निकाला होगा, फिर आया कि उसमें रस्सी बत्ती बत्ती रहेगा तब जलेगा दीपक। तो कोई ऐसा व्यक्ति समाज का होगा जो बत्ती कपास लाया होगा, कपास ला करके उस कपड़े का निर्माण किया होगा, उसकी सिलाई किया होगा। इसका मतलब कि समाज जो हमारा सोसाइटी है वो सोसाइटी एक व्यक्ति से या किसी एक जाति से नहीं चल सकता है, ठीक है, ये सभी लोगों का समन्वय से ही हो पाएगा। तो इसमें भाव है कि
केकरा गुने देरा दा परा हो, केकरा किसका, केकरा गुने मतलब किसके सहयोग से, कौन इसका माध्यम है, केकरा गुने देरा दा परा हो, देरा दिया, देरा जो झारखंड, देरा जो खोटा भाषा में है उसका दिया, कि दिया कैसे, परा परा हो, पराना, ये परा होना जो है दिया पारना, वास्तव में दिया बनाना को खोटा बोलते हैं दिया पारना, ठीक है ना। कुम्हार क्या करते हैं, कुम्हार जाते हैं मिट्टी को लाते हैं, उसको पानी मिला के उसको पूरा सान के उसको अच्छे से दिया बनाते हैं, तो उसको दिया, दिया दा परा हो, केकरा गुने दिया देरा दा परा हो, केकरा गुने बरे बाती हो, और किसके लिए, मतलब ये जो दीपक जल रहा है ये दीपक कैसे आया है, दीपक कौन लाया है, केकरा गुने बरे बाती हो, बाती बत्ती, ये जो दीपक में बत्ती लगा हुआ है इस बत्ती का कौन है, बत्ती का कौन साधन कौन है, कौन इसको लाया है बत्ती, बाबाती बरे बाती हो, केकरा गुने तेल बर्तन हो, और ये जो दीपक में तेल जल रहा है ना ये तेल कैसे आया है, इसका इसका कारण कौन है, बरे जे बरे है अमावस्या की राती है, और अमावस्या की रात, अमावस्या रात का क्या मतलब है, अमावस्या की रात मतलब काली रात, पूरा काली रात, अगर आप समझिए कि बिजली का, अभी भी बहुत सारे झारखंड के ऐसे गांव हैं जहां बिजली नहीं है, या बिजली है भी तो हमेशा बिजली नहीं रहती है, और रात अमावस्या की हो और आपके गांव घर में बिजली नहीं हो तो क्या काम आता है, अब तो खैर मोबाइल बहुत सा टॉर्च ये सब आ गया है, लेकिन पहले क्या था, पहले था आपका दीपक, तो दिया जलता था, तो केकरा बड़े अमावस्या, जिसकी अमावस्या की रात में ये दीपक जल रहा है और दीपक की रोशनी से हम लोग सब काम कर रहे, इसका कारण कौन है, इसके मिट्टी का कारण कौन है, दिया कौन बनाया, उसमें तेल कहाँ से आया, उसमें उसमें बत्ती कहाँ से आया, मतलब इसका कारण कौन है, ठीक है ना। तो इसका जवाब अगला है, थर्ड कविता, ये सेकेंड थर्ड तीसरा में जवाब, इसका जवाब लिए हैं, इसका जवाब लिए हैं, वास्तव में ये जो तीसरा कविता है वो इसका जवाब है, मतलब इसका प्रत्युत्तर है, इसका प्रत्युत्तर है। कुम्हरा गुने बरे दियरा दा परा हो, ये जो दिया बना हुआ है ना उसका कारण कौन है, कुम्हार, कुम्हार ही जो है दिया बनाया है, कुम्हरा गुने, कुम्हरा के चलते, कुम्हार के कारण ही दिया बना है, कुम्हरा गुने देरा दा परा हो, जुल्हा गुने बरे बाती हो, और जुल्हा, जुल्हा बोलते हैं जुल्हा को, मुसलमान मुस्लिम वर्ग का जुल्हा वर्ग है, सारे मुस्लिम नहीं, सारे मुस्लिम मुस्लिम का बहुत, मुसलमानों के, मुसलमानों के बारे में बहुत लोगों की राय थोड़ा सा, बहुत लोग जानकारी कम है, मुसलमानों में भी अपर ग्रेड का मुस्लिम अलग है, थोड़ा सा लो ग्रेड का मुस्लिम अलग है, अपर ग्रेड में जगह देखिएगा जिसको झारखंड में आरक्षण मिला है, सैयद है, शेख है ना, खान है, पठान है, ये थोड़ा सा अपर ग्रेड है, और थोड़ा सा अंसारी या जुलाहा जो वर्ग है ये थोड़ा सा व्यापार बिजनेस करने वाले वर्ग है, दर्जी वर्ग है। तो जुलाहा, जुलाहा का गुने बरे बाती हो, मतलब ये जुलाहा जो है, ये जुलाहा है उसके चलते ये रस्सी आई है, उसके चलते मेरा दीपक जल रहा है। तेली के गुने तेल बरतना हो, और ये तेल आया है ना दीपक में, इसके लिए तेली इसका उत्तरदायी है, तेली इसका कारण है, तेली के गुने तेल बरतना हो, बरे है जे अमावस्या कराती हो, और तभी मतलब ये कुम्हार, जुलाहा, ये तेली, ये सभी मिल तते हैं आपस में, मिल के ही हमारा दिया जल रहा है। इसका प्रतीकात्मक क्या है कि समाज जो है वो समाज संतावादी समाज में अगर बात नहीं होगी तो समाज में कोई भी काम नहीं हो पाएगा। समाज में समता दृष्टिकोण हम रखेंगे तभी जाकर के सारा काम होगा, उसमें किसी एक जाति नहीं बल्कि सभी जातियां मिलके समाज को चलाते हैं, और सभी का रोल है, सभी का योगदान है, ठीक है ना। अब अभी हमारे लिए हम क्लास ले रहे हैं यूट्यूब पे, तो इसका भी बहुत सारे लोगों का योगदान है, ऐसा नहीं अकेले हम कर ली, बहुत सारे लोगों का योगदान है, तब जा करके क्लास आपको मिल पाता है, ठीक है ना। कैमरा है, लाइट है, बिजली है, कंटेंट है, सब कुछ है, ये पेन है, पेन तो कोई बनाया होगा, बोर्ड किसने बनाया होगा, किसी कैमरा बना, तो सभी लोगों का रोल होगा, तब जा करके वीडियो कलेक्ट, मैंने कलेक्टिव है जब अप्रोच होगा तब जाकर काम होगा। ये थर्ड नंबर था। नंबर चार में एक हम उठाए हैं कविता, ये मौसम आधारित है। झारखंड में ऐसे भी झारखंड का जो जिले हैं हजारीबाग, रांची, ये सब ऐसे जिले हैं जो सदाबहार जिले हैं, कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत मतलब सुखमय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, सुखमय प्रकार की यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है, बहुत तीखी जलवायु, बहुत सुखमय प्रकार की जलवायु पाई जाती है जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो उसी में जलवायु और बसंत ऋतु पे कहा गया है, बीतल हेमंत ऋतु आयल बसंत रे, हेमंत ऋतु बीत चुका है, हेमंत ऋतु अब बीत गया है, और ऋतुओं का राजा बसंत, बसंत ऋतु आ चुकी है। बसंत ऋतु में क्या होता है, बसंत ऋतु में न ज़्यादा ठंडा, ज़्यादा गर्मी, मौसम सुहावना, आम के कोपल निकल रहे हैं, ठीक है। तो बसंत जो ऋतु राजा, बसंत आ चुका है। बीतल बीत जाना, बीता हुआ, हेमंत ऋतु आयल बसंत रे, हुलसत हमर जिया देखिक ऋतु राज की, हुलसत हुलसना खुशी मन रहा,
ठीक है, वेरी एक्साइटेड, हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। यस, उन्हें जो जो राजा है ऋतुओं का, उसको देख के हम बहुत खुशी हमको हो रही है। लाल टेसु फूले लाले लाल सिमर रे, और टेसु का फूल फुला हुआ है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि बसंत ऋतु में ही, ये पूरा संदर्भ मिला सब जोड़ा गया है, ठीक है। ये वास्तव में जो झारखंड की प्रकृति है ना, उसके बारे में वर्णन किया गया है। लाल टेसु फूले लाले लाल सिमर रे, ये टेसु का फूल होता है, सिमर का फूल होता है, कपास का फूल होता है, सब लाल लाल होता है, सिमर का फूल, टेसु का फूल, ठीक है ना। लाले लाले ले लो लाल, देखा लाल गुलाब रे, और गुलाब का भी फूल लाल होता है। मतलब ये जो इतनी आनंदमयी प्रकृति है, जिसमें कि सब तरफ आनंद ही आनंद फैला हुआ है, उसके बारे में बात कर रहा है, जो ऋतुओं का राजा है उसके बारे में बात कर रहा है। टेसु का पर्व, टुसु पर्व, आप लोग नाम सुने होंगे, टुसु का पर्व गूगल पे पढ़े होंगे, या तो जो टुसु का पर्व जिस क्षेत्र में होंगे वहाँ पे, जो ये वास्तव में कुरमाली, कुरमाली जो जाति है, कुर्मी जाति है, कुरमाली जाति है, कुरमाली, ये इनका फेवरेट पर्व है, टुसु का पर्व कुरमाली जाति का। इसमें किद्वंती है, कहानी है कि एक लड़की थी, कुरमाली लड़की थी, उसका नाम टुसु था, वो बहुत देखने में सुंदर थी, ठीक है। और वहाँ का लोकल क्षेत्रीय राजा उस लड़की टुसु नाम की लड़की पे आसक्त हो जाता है, और एन केन प्रक्रेन उस लड़की को वो राजा पाना चाहता है। और टुसु जो है सो अपने अपने इज्जत की अच्छा खातिर जो है वो चाहती नहीं है राजा के पास जाना, वो इसलिए वो अपना, क्योंकि उम्र का भी फासला ज़्यादा होता है, राजा बहुत ज़्यादा ओल्ड एज का होता है, टुसु कम एज की लड़की होती है, तो टुसु भी जा करके नदी में अपना प्राण दे देती है। तो उस टुसु के याद में, उस टुसु के रेस्पेक्ट में टुसु पर्व मनाया जाता है। टुसु ये टेसु फूल है, ठीक है ना, मिलता जो मैच करता है लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो टेसु फूल, सिमर फूल, गुलाब का फूल, कपास का फूल, ये सारी खूबसूरती, ये जो झारखंड की प्रकृति और झारखंड का वातावरण में है, उसके बारे में इसमें दिखाने, ये वास्तव में कविता जो है, ये कविता प्रकृतिवादी है। ये जो कविता है, ये कविता आपका प्रकृतिवादी कविता है, ये कविता प्रकृतिवादी है, प्रकृतिवादी कविता है, ये कविता थी प्रकृतिवादी, ये कविता है समतावादी। तो बहुत सारे कविता नहीं, मतलब गीत, लोकगीत है, ये लोकगीत प्रकृतिवादी है और ये लोकगीत समतावादी है। तो बहुत सारे खोटा में ऐसे लोक गीत हैं जो समाज की विभिन्न प्रकार की विशेषताएं के साथ साथ समाज की विसंगतियां भी, ऐसा नहीं निगेटिव चीज का भी गीत में है। खोटा जब फुल फुल कोर्स पेड कोर्स में जब पढ़ेंगे आप पूरा खोटा लोकगीत, उसमें बहुत पचासों लोकगीत है जो समाज की अच्छाइयाँ, समाज की बुराइयाँ भी, मौसम, प्रकृति, झारखंड के लोग कैसे बहुत मेहनती होते हैं उसके बारे में, माए माटी मानुष का प्रेम के बारे में, सारी कविताएँ, सारी लोकगीत आपको उसमें दिखाई पड़ेगा। तो ये 15वां क्लास था मेरा आओ खोटा लिखे का। हम क्लास 1 से शुरू किए थे, क्लास 1, 2, 3, 4 से जा करके 15 क्लास हम करवा दिए, मेरी जिम्मेवारी ख़त्म हो गई। अब आप लोग अगर 15 क्लास को अच्छे से फॉलो किए होंगे, अथवा जो अभी नहीं कर पाए हैं फॉलो करेंगे राइटिंग में, इन राइटिंग, तब जाके खोटा आपका कमांड हो जाएगा। खाली वीडियो देखेंगे तो आपको नॉलेज तो होगा, ज्ञान तो होगा, लेकिन लिखने वाली बात नहीं हो पाएगी। तो ये मेरा फिर मेरा हो आप लोग का होमवर्क हो गया। होमवर्क क्या हो गया? होमवर्क हो गया कि आप जो है सो ऐसा ऐसा खोजिए, ऐसा ऐसा लोकगीत खोजिए, लोकगीत को लिखिए और उसका हिंदी में अनुवाद करिए, लिखिए, तब जा करके कमांड होगा। तो इसी प्रकार से मेरा अपना क्लास आओ खोटा लिखा ख़त्म करते हैं, ठीक है। खोटा आओ खोटा लिखे में जो लिखे होंगे उनको फ़ायदा हुआ होगा, या जो नहीं लिख पाए बाद में लिखिएगा तो फ़ायदा होगा। और फुल कोर्स, पेड कोर्स अगर लेना चाहते हैं तो 9599624827 पे आप मैसेज या कॉल करके फुल कोर्स खोटा का ले सकते हैं। मेरे पास फुल कोर्स में जेपीएससी पीटी का अवेलेबल है, जेपीएससी मेंस का भी है, खोटा भाषा साहित्य का है, हिंदी भाषा का साहित्य है, नागपुरी का सर थोड़ा सा अभी क्लास नहीं ले रहे हैं, लेकिन नागपुरी का भी क्लास होगा। तो नागपुरी का, हिंदी का, खोटा का, ठीक है, सारा क्लास आपका अवेलेबल होगा, पेड कोर्स में ले सकते हैं, ठीक है। तो 15वां क्लास हम समाप्त करते हैं, और इसी के साथ आप लोग अभी भी कोरोना का जो लहर है थोड़ा सा ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।